नमस्कार, साहस समाचार टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा धीर। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। पीएम मोदी कल इटली दौरे पर जाएंगे, G7 समिट में लेंगे हिस्सा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से होगा शुरू। कुवैत लेवर कैंप की आग में अब तक 40 भारतीयों की हुई मौत, 30 लोग हुए घायल। पानीपत की कंबल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। नीट काउंसलिंग पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं लगाई रोक, 5 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। यूपी के अंबेडकर नगर से सांसद बने सपा नेता लालजी वर्मा ने विधानसभा से दिया इस्तीफा। अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। तमिलनाडु विधानसभा का सत्र 20 जून से होगा शुरू। उड़ीसा के नए सीएम मोहन मांझी ने पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से की मुलाकात। राहुल गांधी बोले, मैं वायनाड के सभी मतदाताओं का शुक्रगुजार हूं। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार हिंसा मामले में कलेक्टर SP को पद से हटाया गया। बिहार के छपरा में वकील पिता बेटे को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी ग्रुप ने डोडा हमले के लिए जिम्मेदारी। खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें साहस समाचार टीवी के साथ। नमस्कार।